देखो बच्चों, अच्छे से तैयारी करो। बाद में ये मत कहना कि हिंदी की नहीं है तैयारी, मैथ भी लगे है भारी। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा आगे। परीक्षा है आने वाला, परीक्षा है आने वाला। फिजिक्स की नहीं है तैयारी, इंग्लिश भी लगे है भारी। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मौला जाने क्या होगा आगे। इसलिए बच्चों, अभी से अच्छे से तैयारी कर लो। चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द सोल्जर चैप्टर से। Who has composed the poem The Soldier? क्या होगा आंसर? आपने तो पढ़ाई है, फटाक से अपना जवाब कमेंट कीजिए और भेजिए और मिलाते रहिए मेरे आंसर से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रॉबर्ट ब्रूक। यस, रॉबर्ट ब्रूक हैज composed द पोएम द सोल्जर। रॉबर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, जी हाँ, रॉबर्ट ब्रूक का जन्म किस ईयर में हुआ था? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से मालूम है तो आप फटाक से भेजिए, मैं तुरंत जल्दी जल्दी आज आंसर बोलूँगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1887, यानी 1887। रॉबर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन, रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर इसका होगा सी, 1915, 1915 में रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई थी। रॉबर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ, रॉबर्ट ब्रूक किस चीज के रूप में याद किए जाते हैं? क्या लगता है आपको? आप अपना आंसर कमेंट करके भेजिए अगर आपको पता है तो। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी, वॉर पोएट। राइट आंसर होगा डी, वॉर पोएट। ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान किस परिस्थिति में, किस काल में, किस समय में उन्होंने देशभक्ति को इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था, किस फेज में? चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, अर्ली। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, अर्ली। द सोल्जर इज डैश, द सोल्जर इज डैश। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और बताइए, आपने अगर समरी पढ़ा है तो आप जवाब बड़ी आसानी से दे सकेंगे। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट ऑप्शन इस चारों विकल्पों के अनुसार इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ए सोनेट। जी हाँ, सोनेट किसको बोलते हैं ये तो आपको पता ही होगा, ऐसी कविता जिसमें 14 पंक्तियाँ रहती है उसे सोनेट कहते हैं, और इस सोल्जर में 14 पंक्तियाँ है इसलिए यह एक सोनेट है। तो राइट आंसर इसका हो गया बी, ए सोनेट। द सोल्जर इज डैश पोएम, द सोल्जर इज डैश पोएम। द सोल्जर किस तरह का पोएम है, क्या लगता है आपको? अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, आपने अपना आंसर बता दिया होगा, अब मैं आपको बता दूं, मिला लीजिए, राइट आंसर इसका होगा सी, ए पैट्रियोटिक। जी हाँ, द सोल्जर एक पैट्रियोटिक पोएम है, पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति। द सोल्जर डील्स विथ डैश, द सोल्जर किस जगह का जिक्र करता है, द सोल्जर में किस जगह से ताल्लुकात रखा गया है? चलिए तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंग्लैंड। राइट आंसर होगा डी, इंग्लैंड। द सोल्जर डील्स विथ इंग्लैंड। द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर डैश इन द सोल्जर। द सोल्जर कविता में कवि ने, रॉबर्ट ब्रूक ने कंसील्ड वर्ड का यूज किया है जो किस चीज को दर्शाता है? नीचे दिए गए विकल्पों के हिसाब से आंसर बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिडन। राइट आंसर होगा इसका ए, हिडन। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर्स डैश। इस कविता के अनुसार कवि को इंग्लैंड ने फूल और उसकी धरती से अन्न पोषण पालन किया है किस चीज के लिए? क्या लगता है आपको, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, टू लव। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, टू लव। हु इज द सोल्जर इन द पोएम,
इस कविता में सोल्जर यानी सिपाही कौन है? राइट आंसर इसका होगा बी रॉबर्ट ब्रूक। राइट आंसर होगा बी रॉबर्ट ब्रूक। द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर इज ए डैश पोएम। सोल्जर किस तरह की कविता है, क्या लगता है आपको? चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी पैट्रियोटिक। राइट आंसर होगा सी पैट्रियोटिक। सोल्जर एक देशभक्ति कविता है। द सोल्जर इज ए डैश। द सोल्जर इज ए डैश क्या होगा राइट आंसर? द सोल्जर कविता क्या है? ऑक्टेव है, सेस्टेट है, पर्सनिफिकेशन या सोनेट है? ऑफ कोर्स आपने अब तक इसका आंसर बता दिया होगा। राइट आंसर इसका होगा डी अ सोनेट। जी हाँ, यह एक सोनेट है। तो द सोल्जर इज ए सोनेट। राइट आंसर हुआ इसका डी। द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर इज ए डैश पोएम। फटाक से जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए उम्मीद है आपने अब तक अपना आंसर कमेंट करके दे दिया होगा। अब आप मिला लीजिए। राइट आंसर इसका होगा बी वॉर। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी वॉर। द सोल्जर इज अ वॉर पोएम। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड। ऐसी कविता जिसमें 14 पंक्तियां होती है उसे क्या कहते हैं? बहुत आसान सा सवाल है। अब तक आपने अपना आंसर दे भी दिया होगा मुझे पता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपने दिया? डी। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा डी सोनेट। द सोल्जर वॉज कंपोज इन। सोल्जर कविता को किस ईयर में, किस साल में लिखा गया था? चलिए तो मैं आपको बता दूं, यह कविता प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखी गई थी और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुई थी। तो उसके मुताबिक इसका राइट आंसर होगा ए 1914। हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज्ड इंग्लैंड इन द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर कविता में कवि रॉबर्ट ब्रूक साहब ने इंग्लैंड शब्द का यूज कितनी बार किया है? चलिए तो आंसर आपने दे दिया होगा, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी 4 times। जी हाँ, कवि ने अपनी कविता में 4 बार इंग्लैंड शब्द का यूज किया है और 2 बार इंग्लिश शब्द का, जिससे उनकी देशभक्ति का पता चलता है। तो राइट आंसर इसका हो गया डी 4 times। द सोल्जर वॉज रिटेन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग। द सोल्जर कविता कब लिखी गई थी और किस दौरान प्रकाशित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए फर्स्ट वर्ल्ड वार। जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, राइट आंसर होगा ए फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के समय यह कविता लिखी गई थी और उसी समय पब्लिश की गई थी। द पोएट रॉबर्ट ब्रूक बिलोंग्ड टू। कवि रॉबर्ट ब्रूक किस सदी से ताल्लुकात रखते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा ए 20th century। राइट आंसर इज ए 20th century। 20वीं सदी के वह कवि रहे हैं। द वर्ड एटर्नल मीन्स इन द पोएम। इस कविता में एटर्नल वर्ड का क्या मतलब होता है? राइट आंसर इसका होगा ए फॉर एवर। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, एटर्नल मीन्स भी होता है हमेशा के लिए। द फर्स्ट 8 lines ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड। किसी सोनेट की पहली 8 lines की पंक्तियों को क्या कहते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए ऑक्टेव। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए ऑक्टेव। डैश इज इनएविटेबल इन द पोएम। इस कविता में क्या इनएविटेबल है? इनएविटेबल मीन्स मैंने समरी में बताया था, निश्चित या अटल। इस कविता में किस चीज को अटल बताया गया है या निश्चित बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए डेथ। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए डेथ। डेथ इज इनएविटेबल इन द पोएम। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो ये द सोल्जर चैप्टर की पोएट्री से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आप तैयारी करते रहेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कामना करता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो और आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर लिखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।